तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपको आज यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गया हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। हमने कल पढ़ा था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहाँ पर हमने मेनली देखा था कि दो सेक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है और दूसरा प्रोड्यूसर सेक्टर होता है। अच्छा, सिंपली देखो, बहुत सिंपल है। कल जो हमने देखा था, एक बार हम चलो इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी करके, क्योंकि अगर हमें कल का पता होगा ना तो आज वाला बहुत आसान है। उसी में से बस दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया है और वही आज का टॉपिक है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। कल हमने क्या देखा था, एक बार रिवाइज करो जल्दी से। देखो, मेनली हमने कल देखा था दो सेक्टर होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा क्या होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर से क्या जाती है, फैक्टर सर्विसेज, बिल्कुल सही। यहाँ से फैक्टर सर्विसेज भी, फैक्टर सर्विसेज क्या होती है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। हाँ, एकदम सही भाई, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, देन उसके बाद प्रोड्यूसर सेक्टर इन सभी चीजों को यूज करके क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन को क्या करता है, फिर वो सेल करता है मार्केट में। जब मार्केट में सेल करता है तो क्या आती है, इनकम आती है, और इनकम को क्या करता है, जिनसे ये फैक्टर सर्विसेज हायर की हैं उनको उनकी पेमेंट कर देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फैक्टर पेमेंट कहते हैं। तो क्या होती है फैक्टर पेमेंट, बिल्कुल बिल्कुल वही है जो तुम समझ रहे हो। क्या है भाई, लैंड वाले को क्या दिया, रेंट दिया, लेबर को क्या दिया, वेजेस एंड सैलरीज दी, बिल्कुल सही, और फिर कैपिटल को क्या दिया, इंटरेस्ट दे दिया, और जो बचा बुचा था वो एंटरप्रेन्योर का क्या हो गया, प्रॉफिट, मालिक का क्या हो गया, प्रॉफिट। अब ये पैसा किसके पास पहुंच गया, वापस से हाउस होल्ड सेक्टर के पास पहुंच गया। ठीक है, और हाउस होल्ड सेक्टर फिर क्या करेगा, अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए इस पैसे को फिर से खर्च करेगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये पैसा फिर से किसके पास पहुंच गया, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास। भाई जैसे ही हमने पैसा दिया प्रोड्यूसर सेक्टर से, लाओ आप हमें दे दो, क्या दे दो, समोसे दे दो, तुरंत ही प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करेगा भाई, जो भी वो सामान हमने मांगा है वो गुड्स या सर्विस वो इसके बदले में हमें प्रोवाइड कर देगा। तो यही तो था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और फिर ये एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमी के अंदर बार बार रिपीट होती रहती है, अगेन एंड अगेन। अब यहाँ पर अगर हम सिंपली देखेंगे तो कुछ नहीं है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ये दो टाइप के होते हैं, पहला है रियल फ्लो और दूसरा है मनी फ्लो। अच्छा देखो, पहले हम देख लेते हैं कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या चीज है। देखो यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, सबसे पहली चीज हमने देखा, हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास क्या गया, फैक्टर सर्विसेज, मतलब लैंड गया, लेबर गया, कैपिटल गया, एंटरप्रेन्योर गया, मतलब यहाँ पे वस्तु जा रही, लैंड जमीन जा रही पूरी की पूरी, लेबर मतलब की व्यक्ति जा रहे, मजदूर जा रहे, तो ये जो है ये क्या है, यहां से वस्तु जा रही है। ठीक है, तो ये जो वस्तु वाली चीज है जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं है, जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, रियल फ्लो कहेंगे। तो यहां देखो सिंपली, यहां पर आपको क्या देखना है, यहां दो सेक्टर है आपके पास, कौन है, एक है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा यहां पर प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास क्या गया, फैक्टर सर्विसेज। अच्छा, और फिर प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या आया, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। भाई देखो, अगर फैक्टर पेमेंट आया है तो इसमें भाई रेंट मिला होगा तो पैसा दिया होगा, वेजेस सैलरीज दी है तो पैसा दिया होगा, इंटरेस्ट दिया तब भी पैसा दिया होगा, प्रॉफिट है तब भी पैसा है, मतलब इसमें पैसा ये नहीं होगा। प्रोड्यूसर सेक्टर ने एक चीज और दी थी हाउस होल्ड सेक्टर को, गुड्स एंड सर्विसेज। तो प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या आया, गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो ये जो है हाउस होल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज जा रही है और प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है। इनमें दोनों में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, रियल फ्लो कहते हैं। रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे फिजिकल फ्लो भी कहा जाता है, क्योंकि तो इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ दूसरा है इसका मनी फ्लो, मनी फ्लो नाम से ही मनी लग रहा है, तो यहाँ पे सिंपली क्या है, जो मनी वाला सर्कुलेशन है हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर के बीच में। देखो, हाउस होल्ड सेक्टर ये रहा, प्रोड्यूसर सेक्टर ये रहा। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट देता है। देखो, फैक्टर पेमेंट में वो क्या करता है, फैक्टर पेमेंट में वो रेंट प्रोवाइड कर रहा है या वेजेस एंड सैलरीज दे रहा है या वो इंटरेस्ट दे रहा है या प्रॉफिट दे रहा है, किसी भी फॉर्म में दे रहा है वो,
तो सारा का सारा क्या है, पैसा ही तो है। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे ही हाउसहोल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को पैसे के रूप में क्या देता है, सही बात, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्या देता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो यहां पे देखना ध्यान से, जब हाउसहोल्ड सेक्टर अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, तो हम उसे क्या देते हैं, पैसा देते हैं, उन सामान को यूज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए हमें क्या करता है, पैसा देते हैं। तो हाउसहोल्ड सेक्टर कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या करता है, पैसा देता है। दोनों का अगर मेन डिफरेंस देखोगे तो यहां मनी वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है तो वो मनी फ्लो का पार्ट हो जाता है, और जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व नहीं है, फिजिकल आइटम है, गुड्स एंड सर्विसेज है, वो रियल फ्लो के अंदर होता है, बस सिंपल सा है। वैसे जैसे हमने कल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इसका हमने डेफिनेशन लिखा था, इसके चार्ट को देख करके जो एक्टिविटीज हो रही है, वैसे इनकी भी डेफिनेशन जो होगी इनके चार्ट को हम देख करके ही लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पर सिंपली इस चीज को देखोगे तो यहाँ तुम्हें दिखाई देगा कि जो रियल फ्लो है इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। हाउसहोल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर की ओर क्या गया, फैक्टर सर्विसेज गई, फैक्टर सर्विसेज गई कहां से, हाउसहोल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर के पास, एंड इन रिटर्न और बदले में क्या आया, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउसहोल्ड सेक्टर, और बदले में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर सेक्टर से कहां आ गई, हाउसहोल्ड सेक्टर के पास आ गई, दैट्स इट। तो डेफिनेशन क्या हो गया, खत्म हो गई। ठीक है, तो मेनली यही चीज है जो रियल फ्लो है। अच्छा, मनी फ्लो किसे कहते हैं, भाई मनी फ्लो का भाई ये है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउसहोल्ड सेक्टर। पहले क्या हुआ, प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउसहोल्ड सेक्टर की ओर क्या आया, फैक्टर पेमेंट आया, क्या आया, फैक्टर पेमेंट, कहां से, प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउसहोल्ड सेक्टर के पास, और रिटर्न में, एंड इन रिटर्न फ्लो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउसहोल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर, क्या हुआ, हाउसहोल्ड सेक्टर से प्रोड्यूसर सेक्टर की ओर कंजप्शन एक्सपेंडिचर गया, क्या गया है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर हाउसहोल्ड से प्रोड्यूसर सेक्टर की ओर, और बस यहां पे क्या हो जाती है, डेफिनेशन खत्म हो जाती है। तो बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट अगर देखते हैं, अगर हमें डिफरेंशिएशन मिल जाता है तो एक ही पॉइंट में तो काम चलेगा नहीं, डिफरेंशिएशन करने में तो हमें दो तीन पॉइंट्स और ऐड करने पड़ते हैं। जैसे कि जो रियल फ्लो है इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रियल फ्लो के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज किया जाता है, जबकि मनी फ्लो के अंदर इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, यहां पर मनी का एक्सचेंज किया जाता है। ठीक है, रियल फ्लो को इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, इसे फिजिकल फ्लो भी कहा जाता है। ठीक है, जो मेन है इसे फिजिकल फ्लो भी कहा जाता है, और मनी फ्लो को इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो, इसे क्या कहा जाता है, नॉमिनल फ्लो भी कहा जाता है। तो सिंपल सा ये टॉपिक था, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक बटन को दबाना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आपको हर एक वीडियो क्लियरेंस के साथ इजी लैंग्वेज में हम लेकर के आते रहेंगे। सब्सक्राइब करने से आपके पास वो सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस जब भी मैं अपलोड करूंगा आपके पास पहुंच जाएंगी, तो आप इजीली वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।